सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कभी कभी सुनने को मिलता है, अगर बच्चों को भजन करने के लिए कहा जाए तो बच्चा तो कुछ नहीं कहता, लेकिन माता पिता आगे आकर के कहते हैं अभी छोटा है, समय लगेगा, छोटा है, इसे कुछ मत सिखाओ, अभी कैसे भजन करेगा। आपके घर में बालक हो चाहे बालिका हो, जब वो बोलने लगे तो आप उस बालक को भगवत नाम उच्चारण करवाइए, उसका प्रथम शब्द भगवान का नाम हो। उसके लिए क्या करना होगा, आपको पहले से ही भगवत नाम उच्चारण करते रहना होगा। हम बालक घर में हो जाए तो उसको बोलना सिखाते, बेटा पापा बोलो, मम्मा बोलो, ये सब सिखाते, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया होगा कि बेटा राधे राधे बोलो, राधे कृष्ण बोलो। अगर आप भगवान का नाम उच्चारण करवाते हैं तो आपका बेटा भगवत नाम उच्चारण कर लेगा। भजन करने के लिए कोई उम्र सीमित नहीं है, कोई उम्र बनाया नहीं है, भजन करने के लिए तो बचपन से ही करते रहना चाहिए। आप कहोगे अभी तो बेटा छोटा है, कैसे भजन करेगा, अभी तो बोल भी नहीं पाएगा, अब थोड़ा सा बड़ा होगा, अभी स्कूल जा रहा है, कैसे भजन करेगा, और बड़ा होगा, अभी तो कॉलेज जाना है, कैसे भजन करेगा। हम हमेशा बात को टाल देते हैं, एक न एक बहाना बना लेते हैं भजन ना करने का। यहां संसार में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो भजन करने का बहाना बना ले, हम बहाना बनाते हैं भजन कैसे ना करें।